अगर दोस्तों आपके भी हाथ पैर जोड़ों में कमर में पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है, साथ ही आपकी लंबाई भी कम है, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है युवा लोगों में कमजोरी का बना रहना, यौन समस्या का होना या फिर थोड़ा सा भी काम ना करना उससे पहले थकान हो जाना। दोस्तों अगर आप भी इनमें से किसी भी एक भी प्रॉब्लम से पीड़ित है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह नुस्खा आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप किन किन समस्याओं में इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी काम करते ही थकान हो जाती है, शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, तो आप इस नुस्खे का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के हाथ पैर जोड़ों में कमर में घुटनों में कहीं भी बॉडी में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, जिनको गठिया की प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी इस नुस्खे का आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जिन लोगों को सेक्सुअल कमजोरी महसूस होती है, जो लोग यौन समस्याओं से पीड़ित हैं, बचपन की गलतियों के कारण या फिर बढ़ती हुई उम्र के कारण वो अपना पावर खो चुके हैं, उनके लिए भी यह नुस्खा सबसे जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं आपको यह नुस्खा किस तरीके से तैयार करना है। इस नुस्खे के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है दोस्तों अश्वगंधा, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। दूसरी चीज है सतावर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही चीज युवा लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों आपको 50-50 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा और सतावर किसी भी पंसारी की दुकान से खरीद लेना है और लाकर के पत्थर के हमाम दस्ते में आपको इनको कूट कूट करके अच्छे से आपको बिल्कुल बारीक चूर्ण बना लेना है। अब करना क्या है दोस्तों, आपको रोजाना शाम को सोते समय खाना खाने के लगभग एक घंटे के बाद में आपको इसका आधा चम्मच 1 ग्राम की मात्रा में आपको इसको दूध के साथ में इस्तेमाल करना है और ऐसा लगातार आपको 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आप देखोगे कि आपके शरीर से संबंधित कैसी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो आप उसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।